एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज दीक्षा शर्मा, एमबीबीएस स्टूडेंट एट डॉक्टर राधाकृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर। सो देयर आर सो मेनी डाउट अबाउट द कॉलेज, की कॉलेज कैसा है, न्यू कैंपस में कॉलेज ट्रिप कब होगा, एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटी कैसी है, कॉलेज आने लायक है या नहीं, एंड ऑल्सो हॉस्टल अवेलेबिलिटी है या नहीं। तो आई एम गोइंग टू क्लियर ऑल द डाउट्स अबाउट द कॉलेज इन दिस वीडियो अप टू माई नॉलेज। जितना मुझे नॉलेज है इस चीज़ के बारे में, यहाँ पे रह के इस कॉलेज में पढ़ के, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड करूँगी। तो जो फर्स्ट डाउट है वो है कि न्यू कैंपस जो है वो कैसा है, कब शिफ्ट होगा, एंड ऑल अदर थिंग्स अबाउट द न्यू कैंपस। तो जो न्यू कैंपस है वो, उसका जो एकेडमिक ब्लॉक है वो ऑलमोस्ट बन चुका है काफ़ी टाइम से, और जो हॉस्पिटल है उसकी बिल्डिंग अभी थोड़ा बहुत काम बचा है, बट मैक्सिमम पार्ट उसका भी बन चुका है। बट जो उसमें सामान है, फर्नीचर है, वो सब अभी नहीं आया है, तो अभी थोड़ा टाइम तो लगेगा। बट जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग कि काफ़ी जल्दी जो है वो शिफ्ट होने वाला है कॉलेज, एंड जो नया बैच आ रहा है 24 बैच, उनको वहाँ पे उनकी क्लासेस वहाँ पर होंगी, बट आफ्टर सम टाइम, नॉट कि अभी स्टार्टिंग में ही होंगी, बट कुछ टाइम बाद वहाँ पे उनकी क्लासेस होंगी अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज। कैंपस है उसकी वीडियो मैं अभी इसमें डालने वाली हूँ, तो आप इसमें देख सकते हैं कि न्यू कैंपस कैसा है। जो न्यू कैंपस है वो काफ़ी सही है, जब इस कॉलेज से शिफ्ट होके जहाँ अभी चल रही है क्लासेस वहाँ से जब शिफ्ट हो जाएगा तो काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, कैंपस होगा। और अभी अगर आप लोगों का ऐसा क्वेश्चन है कि अभी कॉलेज कैसा है, हमें आना चाहिए नहीं, तो जो अभी हमारा कॉलेज है जहाँ पे हमारी क्लासेस लग रही है उसमें तो काफ़ी कमी है। लाइक अभी नया कैंपस नहीं बना है, तो नए कैंपस में हम शिफ्ट नहीं हुए हैं, तो यहाँ पर तो कैंपस नहीं है, आपके पास अपना कॉलेज का पर्सनल ना स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स ग्राउंड है, ना स्पोर्ट्स फैसिलिटी है। नाउ द सेकंड वन इज अबाउट स्पोर्ट्स फैसिलिटी। तो स्पोर्ट्स फैसिलिटी, जैसे मैंने बताया कि कैंपस अभी शिफ्ट नहीं हुआ है, तो कैंपस नहीं है तो अभी यहाँ पे तो कुछ नहीं है स्पोर्ट्स के नाम पे। बट स्पोर्ट्स का ये है कि अब हम मेन डिस्ट्रिक्ट में है कॉलेज, तो यहाँ पे जो और ग्राउंड है लाइक पुलिस ग्राउंड है एक, तो वहाँ पे हमारे कॉलेज वाले परमिशन लेके उस ग्राउंड में हमारे कॉलेज के बच्चे ही खेलते हैं, लाइक क्रिकेट खेलते हैं लड़के और फुटबॉल एंड ऑल, तो आप वहाँ पे खेल सकते हो, मतलब ऐसा लैक नहीं होगा कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। बट ये कि अपने कॉलेज का अभी तक नहीं है। एंड थर्ड वन इज़ हॉस्टल फैसिलिटी। तो हॉस्टल जो है वो गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए, दोनों के लिए हैं, बट वो अभी गवर्नमेंट नहीं है, वो प्राइवेट हायर किए हैं, जिससे गर्ल्स के लिए दो हॉस्टल हैं और बॉयज़ के लिए भी दो हॉस्टल है यहाँ पे। तो हॉस्टल फैसिलिटी है बट नॉट बाय द गवर्नमेंट। एंड थर्ड थिंग इज़ स्टडी कैसी है। तो अकेडमिक्स, जो अकेडमिकली मैं बात करूँ तो टीचर्स तो काफ़ी सही है, एंड और तो खुद ही पढ़ना पड़ता है एज़ यू नो, तो स्टडी के लिए ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेशेंट लोड कैसा। तो पेशेंट लोड तो सही, जितना हॉस्पिटल है उसके अकॉर्डिंग तो पेशेंट लोड ठीक है, लाइक हम सीख रहे हैं, आप सीख सकते हो, काफ़ी कुछ सीख सकते हो, तो अकॉर्डिंग टू द कॉलेज, अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, अगर आपको इस मार्क्स पे ये मिल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग तो पेशेंट लोड अच्छा है। सो दीज आर ऑल द डाउट्स यू ऑल हैव, काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया है जितना मुझे नॉलेज है। और अगर आपको ये कॉलेज मिल रहा है, इट मीन्स कि आपके मार्क्स जो हैं वो इसके अराउंड ये, कि आपको ये कॉलेज मिलेगा इसके आसपास के, तो आपको उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। बट जब नए कैंपस में शिफ्ट हो जाएंगे तो काफ़ी बेटर एक्सपीरियंस होगा, और वी नॉट गोइंग टू रिग्रेट द कॉलेज कि हमने ये गलत कॉलेज लिया। बट अभी तक मैं बोल सकती हूँ कि हाँ, आपको अच्छा ना लगे शायद जब आप यहाँ आओ, क्योंकि अभी तक कुछ कैंपस के नाम पर कुछ नहीं है, जो क्लासेस लगती हैं वो भी किसी जहाँ पे लगती है, थोड़ा कंजेस्टेड चीज़ें हैं। बट विद इन सम ईयर्स, लाइक विद इन वन ईयर और हाफ ईयर, इट विल बिकम गुड।